हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किचन की छोटी छोटी टिप्स दूंगी जो बहुत काम की है। अक्सर लोग वो फॉलो करके आप अपने रेसिपीज़ को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। अब जैसे दादी माँ के बेस्ट किचन टिप्स में से है लोहे के तावे को नॉनस्टिक पैन कैसे बनाएं, उसमें डोसा बिना चिपके के लिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तावे को खूब गर्म करना चाहिए। अब पूरी तलते समय अगर उसमें तेल ज़्यादा और टेस्टी बनाना है तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे पूड़ियाँ में तेल कम लगेगा। अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया हो तो एक बड़ा आलू कच्चा छील कर उसको दो टुकड़ों में करके सब्जी में डाल दें, आलू अतिरिक्त नमक सोख लेगा। कटे हुए सेब में नींबू का रस डालने से ये ख़राब नहीं होता, जैसे हमारे एप्पल्स होते हैं ये हम काट देते हैं काले पड़ जाते हैं, तो ये काले बिल्कुल भी नहीं होंगे और फ्रेश के फ्रेश रहेंगे। आप इसको फ्रिज में लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। ये एक बहुत काम की टिप्स है जो गाइस अक्सर लोग अपने एप्पल काट देते हैंगे लेकिन वो काले पड़ जाते हैं, बाद में उसे कोई नहीं खाता है, तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इडली और डोसा और पकौड़ी में थोड़ा सा दूध अगर ऐड डाल देंगे तो पेस्ट बहुत अच्छा बन जाता हैगा, ऐसे डोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। कमाल के किचन टिप्स में गाइस बेसन के लड्डू बनाते समय उसमें पीसी चीनी के बजाय ये चीनी का भूरा मिलाने से लड्डू ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर पकौड़े तलते समय तेल ज़्यादा सोख लेता हैगा तो उस पकौड़े के गोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए, इससे पकौड़े